अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं फैसल मानी क्रिकेट शो। दो ओवर्स में चेस खत्म, मैच खत्म और किस्सा तमाम। विल जैस की शानदार इनिंग आरसीबी को जितवा बैठी है और छक्के पे छक्का लगाया है। आखिरी दो ओवर यानी के 16 ओवरों के अंदर अंदर ही विराट कोहली की सेंचुरी पे डाका मारा है विल जैस ने, क्योंकि लग ऐसा रहा था कि इस बार लगाएंगे विराट कोहली सेंचुरी, लेकिन एकदम से उनको ओवरटेक किया विल जैस ने और छक्के पे छक्का लगाकर मोहित शर्मा पे जब चढ़े हैं तो इनक्रेडिबल इनिंग खेल के आरसीबी को दो पॉइंट दिलवा दिए। विल जैस ने पहली 17 गेंदों में 17 रन बनाए और अगली 24 गेंदों में 83 रन बनाकर सेंचुरी बनाई। अगर इस तरह के जबरदस्त प्लेयर विराट कोहली के पास थे तो आरसीबी क्यों घंटे की तरह खेल रही थी और घंटा परफॉर्म कर रही थी। हैट्स ऑफ टू विल जैस, क्योंकि एक वक्त ऐसा था इस मैच में जहां पर विराट कोहली 69 पे थे और विल जैस बहुत पीछे थे। अभी 54 रन पड़े हुए थे मैच में और विराट कोहली को 31 रन चाहिए थे सेंचुरी बनाने के लिए, लेकिन जब मैच खत्म हुआ तो विराट कोहली के 70 रन थे यानी कि वो 30 रन शॉर्ट थे और विल जैक्स अपना 100 बना बैठे थे, यानी कि बाकी सारे रन दो ओवरों के अंदर अंदर विल जैक्स ने बनाए हैं। आईपीएल में 100 रन हर प्लेयर के इस तरह बन रहे हैं जैसे स्वभाव का काम हो। हर बंदा आता है और सेंचुरी लगा देता है। क्या जबरदस्त बैटिंग आप डिस्प्ले देख रहे हैं आईपीएल के अंदर। मैं तो फैन हो गया हूं आईपीएल का। जो क्वालिटी आईपीएल के अंदर आ रही है दुनिया की किसी और लीग में पाई नहीं जा रही है। देखें, आज विल जैस, कल विराट कोहली, कभी कोई, कभी कोई, कभी जसवाल, कभी जोस बटलर, तो सेंचुरीज भी लग रही है और बड़ी जबरदस्त सेंचुरी लग रही है। एक प्रॉपर टूर्नामेंट है और टूर्नामेंट ये वर्ल्ड कप के बाद सबसे जबरदस्त है। देखिए, आरसीबी का जो सफर था इस आईपीएल के अंदर वो बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं कि डामाडोल रहा है, पंजाबी क्लब से डामाडोल, क्योंकि स्टार्टिंग में इनका जो टूर्नामेंट था सिर्फ और सिर्फ इनको हार ही देखने को मिली है। पहला मैच हारे, उसके बाद अगला मैच जीते, उसके बाद हार हार हार, और उसके बाद एक महीना लगा इनको अगला मैच जीतने में और उसके बाद दोबारा से मैच जीत गए। तो मोमेंटम तो पकड़ा है, लेकिन पहले बहुत ज्यादा पीछे रह गई थी। जो दूसरी टीमें थी वो बहुत ज्यादा आगे निकल गई भी थी। आईपीएल के अंदर आपको पता है कि टफ कॉम्पिटिशन है, 10 टीमें होती हैं और 10 की 10 टीमें टक्कर की टीमें होती हैं, यानी कि कोई टीम कमजोर नहीं है, कोई टीम ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। तो अगर एक टीम ज्यादा जल्दी मैचेस हार जाए और बहुत सारे मैचेस हार जाए तो वो बहुत पीछे रह जाती है, और इसी तरह इस साल आरसीबी के साथ यही हुआ है कि वो बहुत पीछे रह गए थे। तो एक स्लाइटली सा चांस अभी भी उनके पास मौजूद था जो उन्होंने अवेल करना स्टार्ट कर दिया है। अब क्या इसको मोमेंटम को विराट कोहली और उनकी जो टीम है, देखिए है तो ये फैब डुप्लेसिस की टीम, लेकिन देखिए इसको लीड करते हैं, इसको ऑन करते हैं विराट कोहली। तो जब भी मुंह से निकलता है, जैसे चेन्नई, जब मैं चेन्नई को सपोर्ट करता हूं तो कैप्टन तो गायकवाड़ है, लेकिन लगता है कि, और मैं कहता भी हूं कि धोनी कैप्टन है और धोनी की टीम है। इसी तरह आरसीबी का कैप्टन मर्जी जो मर्जी हो जाए, लेकिन उनको जो लीड करेंगे वो होंगे विराट कोहली। तो क्या विराट कोहली की आरसीबी इस बार कुछ चमत्कार कर पाएगी और प्ले उस पे पहुंच पाएगी अगर इसी तरह का मोमेंटम रहा। देखिए, मोमेंटम जो होता है ना किसी भी टूर्नामेंट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब किसी टीम को मोमेंटम मिल जाए तो वो कमाल करती है, और आज का कॉन्फिडेंस देखिए, एक वक्त में लग रहा था कि ये मैच नेल बैटर होगा, बहुत थ्रिलर होगा और आखिरी बॉल तक आरसीबी को मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन चार ओवर पहले ही मैच चेंज हुआ है। यानी कि आखिरी दो ओवरों में 58 रन, जो कि मैच के आखिरी ओवर थे, यानी कि इनिंग के अभी पड़े हुए थे, लेकिन इस मैच में जो दो ओवरों में सारे रन बन गए ना, तो 58 रन लास्ट टू ओवर्स में आरसीबी ने बनाए हैं। तो ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, और आपको पहले ही पता है कि आजकल बातें ये हो रही हैं, क्या आईपीएल के अंदर 300 रन लगेंगे, क्या आईपीएल के अंदर 300 रन बन सकेंगे। तो ये 300 रन क्या ही एक कड़ी है, क्योंकि प्लेयर्स को इतना कॉन्फिडेंस मिल चुका है, इनकी जो फ्रेंचाइजीज हैं वो इतना कह रहे हैं, कॉन्फिडेंस कह रहे हैं कि आप बस खेलो, अपनी नेचुरल गेम खेलो, आप हार जीत का है वो टेंशन मत दो और अपना 100% पोटेंशियल निकालो। जो फ्रेंचाइजीज है आईपीएल की, वो एक चीज की तारीफ बनती है उनकी, कि वो प्लेयर्स के अंदर से उनका 100% पोटेंशियल निकालने में कामयाब हुए हैं, प्लेयर्स को उन्होंने दिया कॉन्फिडेंस। देखिए, विल जैस को आज से पहले कोई नहीं जानता था, साउथ अफ्रीका लीग में बड़े जबरदस्त खेले थे लेकिन डोमेस्टिक प्लेयर थे, लेकिन देखिए एकदम से उनको एक प्रमोट किया गया है और इतना बड़ा लीग खेलने को मिला है और उन्होंने क्या जबरदस्त परफॉर्म किया। ये होता है मौके पे चौका, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना, ये एक बड़े प्लेयर की निशानी होती है और ये बड़े प्लेयर नहीं करके दिखाया है। देखिए, विल जैस, देखिए नाम तो छोटा ही है, कोई इनको नहीं जानता होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बड़े प्लेयर ऐसे ही बनेंगे। जब आप विराट कोहली के साथ बैटिंग करते हो, 166 रन की आज पार्टनरशिप लगाई है विराट कोहली के साथ मिलके, तो विराट कोहली ने कितना जबरदस्त आपको अप्रिशिएट किया होगा, क्योंकि विराट कोहली खुद ही एक लेजेंड ऑफ द गेम है, कमाल के प्लेयर है। तो अगर वो आपको इस तरह जबरदस्त जो है वो गाइड करेंगे, उनके साथ आप जो खेलोगे तो आप तो ऑटोमेटिकली आप सीखोगे और जीतोगे और आपके जो करियर है उसमें बहुत आपको बूस्ट मिलेगा। अब उम्मीद तो यही है कि आरसीबी इसी तरह मेहनत जारी रखे और अपने फैंस को इसी तरह एंटरटेन करते रहे, क्योंकि आज की बाड़ी बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट वाली थी। आज का जो दिन था वो आरसीबी के लिए था, और जीटी ने 200 रन बनाने के बावजूद, अच्छी परफॉर्मेंस करने के बावजूद,
एक बड़ा मैच आसानी से हारा है। तो जीटी भी अब अपने दो मैच हार कर बहुत पीछे हो रहा है, तो कंपटीशन के लिए बड़ा जबरदस्त हो रहा है, जो टेबल है पॉइंट्स टेबल के लिए बड़ा जबरदस्त हो रहा है, और आरसीबी आहिस्ता आहिस्ता करके ऊपर जा रहा है। अब अगला मैच भी बड़ा जबरदस्त होने वाला है। अगला मैच है आज सुपर संडे का, वो है चेन्नई सुपर किंग्स का धोनी का मैच होने वाला है। तो धोनी के मैच के लिए तो मैं वैसे ही बहुत एक्साइटेड रहता हूं, और आप लोग बताएं कि भाई आरसीबी का कोई चांस नजर आ रहा है? आज की जीत के बाद क्या आरसीबी का कोई चांस है कि वो आगे जाके क्वालिफाई कर सकती है और मेहनत कर सकती है? ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, और वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और बेल आइकन जरूर दबाना है ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन जरूर मिले। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।